नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो वीडियो है वसई के भू माफियाओं के राजनीतिक संबंधों को लेकर। इसमें मैं कुछ खुलासा करने वाला हूं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उसके पहले मेरे वही सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा, 13 जुलाई को वगरालपाड़ा हादसे के बाद क्यों नहीं अब तक महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही हुई, या तहसील कर्मी या महसूल कर्मी के ऊपर कार्यवाही हुई? खासकर जो वहां पर संबंधित इंजीनियर है, अतिक्रमण इंजीनियर कौस्तुभ तोमरे, विजय नड़गे, इनको अब तक निलंबित भी नहीं किया गया। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब मैं आज का वीडियो में उसके सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं। ये वीडियो बनाने की मेरे को दिमाग में क्यों आई, क्यों सूझी, इसका सीधा कारण है कि इतने भू माफिया वहां पर सक्रिय है, और सिर्फ ये बगरालपाड़ा ही नहीं, पूरे वसई विरार में, फिर चाहे जावरपाड़ा हो, हाईवे हो, बहुत भू माफिया यहां पर सक्रिय है, और दिन रात उनकी कंप्लेन होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, दिखावे की तोड़क कार्रवाई थोड़ी बहुत हो जाती है। तो इनको कौन बचाता है, इनके पीछे कौन है, मैं आज की वीडियो में इस पे बात करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि यहां के जितने भू माफिया है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी एक के बारे में विशेष तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक जनरल बात यह बताता हूं कि जितने भू माफिया है उसमें से हर दूसरे भू माफिया की गाड़ी के ऊपर यहां की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी का आपको झंडा मिल जाएगा। अब यह तो बहुजन विकास आघाड़ी को ही खुलासा करना चाहिए कि उनके क्या संबंध है, क्या उन्होंने उनको कार्यकर्ता नियुक्त किया हुआ है, क्या उनके वो पदाधिकारी है। अक्सर भू माफिया या बिचौलिए जो जमीन का खरीद या बेचान का काम करते हैं, जो खुद अपने आप को बड़ा बिल्डर बताते हैं, तो उनके बहुजन विकास आघाड़ी के क्या संबंध है, यह पहला सवाल है। अब बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें भाजपा की, तो समय समय पर भाजपा जो है बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर हमलावर होती है, लेकिन भाजपा की भी नीति सिर्फ राजनीतिक होती है, क्योंकि इन भू माफियाओं से भाजपा के भी सीधे संबंध है। और आपको याद अगर होगा, आपने अगर मेरा एक वीडियो 31 दिसंबर 2021 का देखा होगा, या नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा, आप फिर से देखिए जो भी स्क्रीन पर चल भी रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में साफ साफ वसई के भू माफिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में यहां से पैसा उगाही करके वहां भेजने की बात कर रहे हैं। उसमें कई सारे नाम मंच पे, खुले मंच पर वहां के विधायक जो आज हाल में वहां के मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनकी मौजूदगी में लिए गए, और लाखों रुपए का चंदा तब भाजपा को वसई विरार से गया। अब जाहिर सी बात है, अगर भाजपा को वसई विरार से लाखों का चंदा इन्हीं भू माफियाओं से जाता होगा तो भाजपा क्यों बोलेगी। और जिस मंच से ये सब ऐलान हुआ था चंदे का, उस मंच पर भाजपा के जिलाध्यक्ष राजन नाईक खुद मौजूद थे। हालांकि भाजपा राजनीति के लिए यहां कुछ आवाजें उठाती है अभी भी, जब यह हादसा हुआ राजीव अली का, और उसमें जब विधायक ने पैसे का चेक पीड़ितों को दिया, तब भी भाजपा की ओर से एक सिर्फ राजनीति के लिए एक बयान आया था कि सरकारी पैसे का चेक वो आमदार किस हैसियत से दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा की भी नीति यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रही है, जबकि भाजपा को भी इन भू माफियाओं की सांठगांठ भाजपा से भी है। व्यापारी है और व्यापारी लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ, वो सहयोग के लिए निकल पड़े हैं और अच्छा से अच्छा सहयोग आपको देंगे। और जो यहाँ के जो बिल्डर हैं, बंडी सिंह जी कहाँ है, इनका जो ग्रुप है, ये भी आगरा के हमारे ये जो विधायक हैं, अपने ग्रुप की तरफ से आपको एक अच्छा सहयोग यहाँ से प्रदान करेंगे।
महाराष्ट्र की तरफ से हमने एक अच्छे सहयोग के लिए एक मानसिक विवाद के रूप से एक संकल्प किया हुआ है जो विधायक जी को पहुंचेगा। और आनंद अहवले जी है, अहवले जी ये यहाँ के प्रतिष्ठित बिल्डर है, इनके ग्रुप की तरफ से भी आपको एक अच्छा सहयोग मिलेगा। और हमारा भारतीय श्रमिक संघ है जो 1992 में जिसकी स्थापना हुई, हमारे श्रमिक संघ की तरफ से भी एक अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। और भी जो व्यापारी, ये देखिए कैलाश शर्मा जी खड़े हुए, टिकोरी मिश्रा उनके बगल में है, ये सारे लोगों का जो ग्रुप है आपके सहयोग के लिए एकदम संकल्पबद्ध है, इनका अच्छा सहयोग आपकी तरफ जाएगा। जो लोग और भी सहयोग करना चाहते हो अपने ग्रुप के साथ, जैसे बंदी सिंह हाईवे पे हैं तो उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, नागेंद्र जी वहाँ पे हैं वो जो सहयोग करना चाहे उनके ग्रुप के साथ वो सहयोग कर सकते हैं, है ना। अभी सुशील जी है, आनंद जी है और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, इस सहयोग देने के हिसाब से ही और स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बात करें शिवसेना की तो शिवसेना में अभी दो धड़े हो गए हैं, लेकिन कल तक शिवसेना एक थी, जब तक एक थी तब तक 2020 तक, जब तक वसई विरार महानगर पालिका कोविड नहीं आया था तब तक शिवसेना का वसई विरार में कुछ ज्यादा बहुत कुछ चलता नहीं था। और तब यहां की शिवसेना जो है वो भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाती थी, लेकिन अचानक से 2020 में, मार्च 2020 में गंगाधरन डी जो आयुक्त आए थे तत्कालीन, उसके बाद में शिवसेना ने अनधिकृत बांध काम को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर आवाज उठाना बंद कर दिया। इसके पीछे कई बार ये चर्चाएं हुई कि गंगाधरन डी जो है उनको शिवसेना ने भेजा हुआ है, और मैं उन सब विषय पर नहीं जा रहा हूं, वो सबको मालूम है। उसके बाद बात करें मनसे की, तो मनसे जरूर इस मामले पर मामले उठाती रही है, अभी भी मनसे ने यह मामला गर्म किया उठाया, लेकिन वही बात है कि मनसे का जनाधार इतना नहीं है तो मनसे को इतना कोई तवज्जो देता नहीं है। फिर उसके बाद में और भी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, और भी कुछ छोटी पार्टियां हैं यहाँ की, और इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो उनका वही जनाधार नहीं है, और जनाधार नहीं होने की वजह से उनका कोई सुनता नहीं है। ये जो भूमाफिया है, जो तथाकथित बिल्डर अपने आप को बताते हैं, इनका मैंने अभी दो दिन पहले एक वीडियो में खुलासा किया था, जो शिवसेना की नगर सेविका ने बताया था किस तरह से ये ऑफिस खोलकर एडवर्टाइजमेंट कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इस पर मैंने थोड़ी और रिसर्च की और सोशल मीडिया को मैंने खंगाला, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ऐसे कई पेज आपको मिल जाएंगे जहां पर इन चालियों का बकायदा एड होता है, कुछ स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिनमें लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं और अलग 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 बातें कही जाती है, वो आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, जिसमें अभी ये बात हर कोई ये कह रहा है कि इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी से तो पीछे हटा नहीं जा सकता, प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन यहां की लोकल राजनीतिक पार्टियां भी है, वह भी सभी इन भूमाफियों के पीछे है, ये बात हम कह सकते हैं, और कोई एक पार्टी नहीं है, सबके सब पार्टी। अब आप तय कीजिए, अगर सब पार्टी ही इन भूमाफियाओं की गॉडफादर रहेगी तो कौन इनके ऊपर कार्यवाही करने की हिम्मत करेगा। हालांकि अभी मामला इतना बढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी इन भूमाफियाओं में दहशत जरूर हुई है, और भूमाफिया जो है कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए तो कुछ लोग छोड़कर चले गए, लेकिन यही देखना बाकी है कि अब क्या प्रशासन इन तक पहुंच पाएगा, क्या गुनहगारों को सजा होगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।